भीकन गांव की निजी फाइनेंस बैंक में दिनदहाड़े बंदूक की नोक पर बैंक में लूट का प्रयास। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस संबंध में एसपी धर्म सिंह से मिली जानकारी के अनुसार भीकन गांव में खंडवा बड़ौदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस स्टैंड के पास फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में दो नकाबपोश बाइक सवार बदमाश अचानक आए, फाइनेंस बैंक के नीचे अपनी बाइक खड़ी की और बैंक की सीढ़ियों पर चढ़े। यहां फाइनेंस बैंक में 3 कर्मचारी अपना काम कर रहे थे। बैंक कर्मियों के अनुसार बैंक में घुसे बदमाशों ने अचानक कट्टा निकालकर तान दिया। इनमें एक नकाब पहना था तथा दूसरे ने मास्क लगाया था। दोनों बाइक से भीकन गांव पहुंचे थे। आरोपितों ने बैंक कर्मियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और कहा कि बैंक में लाकर की चाबी दो। कर्मचारियों ने हिम्मत जुटाते हुए सुदीप गंगराड़े नाम के युवक को पकड़ लिया। वहीं कट्टे में कारतूस नहीं लोड होने के कारण दूसरा साथी संदीप फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा पकड़े गए बदमाश को पुलिस थाने लाकर पूछताछ कर रही है, लेकिन दूसरे फरार बदमाश को पुलिस नहीं पकड़ पाई। यह पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस दूसरे बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। दो लोग आए थे बैंक लूटने के लिए, दोनों बंदूकें लेकर आए थे। समथिंग 10 बजे के समथिंग आए थे दोनों। आए पहले हम 3 लोग थे अंदर, मैं, बॉम गोलू बारे और मोहित यादव और राहुल मीना, तीनों अंदर बैठे थे। दोनों आए गन लेकर के, पहले दोनों अंदर आए, एक बंदा हमको बंदूकें दिखाते रहा और एक ने फ्रंट का दरवाज़ा बंद कर दिया। और उसे बंद करने के बाद में जो एक बुरखा पहनकर आया था वो अंदर आ गया लॉकर केबिन के अंदर और पूछे कि मैनेजर कौन है। तो राहुल मीना ने और मोहित यादव ने मेरा नाम बता दिया कि ये गोलू बारे मैनेजर है। तो मेरा हाथ बांधने लगा और उन दोनों को बोल दिया कि तुम बाहर जाओ, तुम केबिन से बाहर निकलो और गोलू बारे तू पूरा जितना भी माल है उतना निकाल कर दे दे। फिर मोहित यादव पीछे के दरवाजे से जान बचाकर भगा। और फिर जो उनके साथ जो बंदा था जो मैंने पकड़ा, उनके साथ में एक बंदा और था, वो गन लोड करी उन्होंने और चलाने लगा, तो गन लोड नहीं हुई और वो गोली नीचे गिर गई। तो एक भग गया और एक को मैंने पकड़ लिया। समथिंग 10 मिनट तक मैंने पकड़ के रखा। और राहुल मीना ने बाहर आकर के इन्फॉर्मेशन करी कि चोर 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 चिल्लाया। फिर उसके बाद में पुलिस वगैरह आई और उनको फिर हमने अनुमानित कितने की लूट हो सकती थी आपके बैंक में अगर घटना सफल हो। हमारे यहाँ केस पेमेंट था 5,28,221 रुपये और गोल्ड लोन के पैकेट थे 143। अनुमानित कितने? अनुमानित 25 से 30 करोड़ की हो जाए। भीकनगांव बस स्टैंड पर एक फिनकेयर बैंक है। आज सुबह लगभग 9:30 बजे बैंक ओपन हुई तो उसमें 2 युवक संदिग्ध स्थिति में बैंक के अंदर प्रवेश किए। उनमें से एक युवक जो था बुरखा पहने हुए था, दूसरे युवक पे वेपन्स बताए जाते हैं। उन्होंने बैंक के जो एम्प्लॉई थे उनको ओवरपावर करने की कोशिश की। इसी दौरान बैंक का एक कर्मचारी जो बाहर था वो अलर्ट हुआ और उसके प्रयास से एक आरोपी को बैंक के कर्मचारियों द्वारा ही अपने कब्जे में कर लिया गया। ये जो व्यक्ति है संदीप गंगराड़े है, मूल रूप से भीकनगांव का ही रहने वाला है और ये इंदौर में रहता था। पुलिस ने पहुंच के इससे प्राइमरी पूछताछ की है। तो इनके जो दूसरा साथी है संदीप रीवा का रहने वाला है संभवतः, ये दोनों कुछ प्लानिंग के तहत बैंक में लूट करने की योजना के तहत प्रवेश किए थे। जो बैंक कर्मचारी अलर्ट थे और बैंक के जो बाहर कर्मचारी थे उन्होंने काफ़ी सावधानी से बाहर सूचना दी और उसको ओवरपावर कर लिया, इसलिए लूट तो नहीं हो पाई है। लेकिन ये दोनों व्यक्ति इंदौर से रोड से मोटरसाइकिल से चल के भीकनगांव तक आए थे और बुरखा पहन के और मास्क पहन के बैंक में प्रवेश किया। बैंक के जो कर्मचारी उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक उनके पास कोई वेपन्स भी थे। तो अभी इनको हिरासत में लेके पूछताछ कर रहे हैं। दूसरा जो आरोपी वहाँ से बच के निकल गया उसकी गिरफ्तारी प्रयास कर रहे हैं। ये फिनकेयर बैंक में जो प्रेमा फेशिया लगता है लूट करने का प्रयास है, इसमें बैंक के जो एम्प्लॉयज है प्रबंधन है उसने काफ़ी कुशलता और सावधानी से काम किया जिसके कारण ये आरोपी पकड़ा गया है। इससे पूछताछ करके पूरी घटना के संबंध में जानकारी ली जा रही है। अभी तत्काल ही पकड़ा गया है, पूछताछ कर रहे हैं, इसके जो डिटेल दिए हैं वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इतना बताया इन्होंने सुबह ही इंदौर से चले थे और जो इनकी प्लानिंग थी वो बैंक में लूट करने की थी, इसी प्रकार ये प्रवेश किए थे। कोई कर्मचारी इसमें सर घायल भी हुआ है, बाइक भी जब्त हुई? अभी कोई घायल तो नहीं हुआ है, लेकिन कर्मचारियों ने जब पकड़ने में झंझट हुई होगी तो उसमें हो सकता है चोट आई हो। पुलिस मौके पे है।